हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैनन पावर शॉट SX70 का स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और उसके फंक्शन के बारे में, और हम आपको इसका जूम टेस्ट करके भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। ये पावरफुल 65x ऑप्टिकल जूम है जो कोई भी दूर वाले सब्जेक्ट को ब्यूटीफुली कैप्चर कर सकते हैं। इसमें 20.3 मेगापिक्सल सीमोस सेंसर दिया हुआ है। इसमें डिजीगेट इमेज प्रोसेसर है जो बहुत फास्ट ऑटो फोकसिंग में आपको हेल्प करता है या 4K वीडियो में आपको हेल्प करेगा। इसमें ISO आपको 100 टू 3200 है, जो लो लाइट पे भी आप बहुत कम से कम आपको नॉइज मिलेगा। 4K वीडियो दिया हुआ है और 4K टाइमलेस मूवी भी शूट कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन वाईफाई ब्लूटूथ कैपेबिलिटी है। हाई स्पीड कंटिन्यू शूटिंग करता है अप टू 10 फ्रेम पर सेकेंड। इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है 5 स्टॉप तक है, जो बहुत ही उम्दा आपको परफॉर्मेंस देगा जब आप जूम करते हैं। इसका जो LCD है 3 इंचेस वेरी एंगल LCD है। इसमें आपको जूम फ्रेमिंग असिस्ट मिल जाएगा। इसका शटर स्पीड है 1/4000। वेट है 576 ग्राम। चलिए हम इसका बटन के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप ऑन कर सकते हैं। डेट पहले आपको सेट करना पड़ेगा, दूसरा टाइम आपको सेट नहीं करना पड़ेगा। ऊपर देख सकते हैं, ये वाईफाई का बटन है। वाईफाई से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इमेज को। देखिए, ये प्लेबैक बटन हम प्रेस करके, वाईफाई प्रेस करने से ये देखिए 3 ऑप्शन शो कर रहा है। कनेक्ट टू स्मार्टफोन, दूसरा ऑप्शन प्रिंट फ्रॉम वाईफाई प्रिंटर और अपलोड टू वेब सर्विस। ये 3 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है SX70 में। फिर देखिए, हम ऊपर जैसे आते हैं, देखिए ऊपर एक टेली वाइड और मिडिल क्लिक करने से ये फोटो क्लिक करता है। टेली वाइड मतलब जूम इन आउट, इसे जूम इन आउट कर सकते हैं। ये बटन दिया हुआ है जूम इन आउट करने के लिए। इसे आप जूम कर सकते हैं और जूम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर ये देखिए, ये डायलर बटन है। ये डायलर बटन का बहुत सारा काम है, जैसे इसमें आप शटर स्पीड, अपर्चर या ये सब चेंजेस कर सकते हैं मैनुअल मोड में। जैसे इसका, जैसे ये देखिए शटर स्पीड चेंज हुआ। आप माइनस एक्सपोजर बटन प्रेस करने से, प्रेस करके, चलिए देखिए ये स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट बटन से आप एक्सपोजर को लॉक कर सकते हैं। देखिए, इसको प्रेस करने से स्टार्ट साइन आ रहा है, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर नीचे वाला देखिए, हम बटन जैसे आएंगे, नीचे वाला बटन ये ऑटो फोकस शिफ्ट करने का बटन है। ये इन्फो आप ग्राफ देख सकते हैं या कोई भी इमेज में शटर स्पीड अपर्चर भी देख सकते हैं। देखिए, फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे देखिए ये एक्सपोजर कंपनसेशन का बटन है, वो प्रेस करने से आप एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें मैनुअल में जाके इसमें अपर्चर चेंज होता है, इससे वो प्रेस करके डायलर बटन से। फिर मैनू ये ऑप्शन है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, नॉर्मल, मैक्रो और मैनुअल फोकस। ये 3 ऑप्शन आपको ये बटन से मिल जाएगा। फिर देखिए, ये फ्लैश का बटन है, फ्लैश हम उसको ऑन कर देना पड़ेगा। फ्लैश को ऑन करने से देखिए, अगर हम प्रेस करते हैं तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं, देखिए उसके सबसे नीचे वाला बटन है, ये डिलीट बटन। तो डिलीट बटन को क्या करना पड़ेगा, प्लेबैक बटन उसको प्रेस कीजिए, फोटो को आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये प्लेबैक बटन है, प्लेबैक कोई फोटो को या वीडियो को देख सकते हैं। मेनू, अब मेनू में आते हैं। देखिए, मेनू में आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जस्ट हम आपको दिखा दे रहे क्या क्या इसमें ऑप्शन आपको है, ये देख सकते हैं। ये आपको सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन आपको है इमेज क्वालिटी स्टिल। फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं। ये हम आपको एक एक कर जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये देख सकते हैं। मूवी रिकॉर्डिंग साइज है, फिर देख सकते हैं मूवी रिकॉर्डिंग साइज आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग, ऑटो स्लो शटर, रेड आई, बहुत कुछ इसमें ऑप्शन है। आप मेनू में जाके आप ढूंढ सकते हैं क्या करना। वायरलेस सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। जस्ट हम आपको जस्ट एक मेनू के बारे में हम दिखा देना चाह रहे थे कि इसमें ये ऑप्शन आपको
मिलता है। दिखा देते हैं, जैसे देख सकते हैं ये एक टी डब्ल्यू लिखा हुआ है, वो टेली वाइड मतलब जूम बटन दिया हुआ है। ये स्मूथ जूम बटन का काम करता है, इसको अगर हम जूम करते हैं या जूम इन आउट करते हैं बहुत स्लोली ये और बहुत स्मूथली ये जूम इन आउट होगा। ये कंपेयर टू सामने के तरफ जो शटर जहाँ क्लिक करते हैं उधर टी डब्ल्यू बहुत फास्ट होता है और ये बहुत स्लो काम करता है। फिर देख सकते हैं जो ऊपर है, ये ऊपर एक बटन है जूम फ्रेमिंग असिस्ट बटन। ये बटन का काम ये है कि कोई अक्सर फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट को आप जूम करते हैं, वो सब्जेक्ट अगर खो जाता है तो वो आप बैक करके आप फिर से उसको जूम कर सकते हैं, उसी जगह आप जूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूरेट फोकस कर करता है। ये नीचे जो बटन है ये फ्रेमिंग असिस्ट लॉक बटन है, इससे आपका सब्जेक्ट लॉक हो जाता है और ट्रैक करने में बहुत ही सुविधा होता है और शेक बहुत कम होता है। फिर हम आते हैं, देखिए ये तो आपको ऑप्शन बता दिए, ये EVEF है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और सेंसर लगा हुआ है। अगर हम जस्ट EVEF में देखते हैं तो LCD बंद हो जाएगा। और ये 3 inches का आपका वेरी एंगल LCD है, 3 inches का वेरी एंगल LCD है जो आप रोटेट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है व्यू एंगल ऑफ व्यू शॉट लेने में, अपवर्ड शॉट या डाउनवर्ड शॉट में। फिर हम इस तरफ आते हैं, देखिए यहाँ आपको 3 पोर्ट मिलेगा, एक देखिए एक रिमोट के लिए कनेक्ट कर सकते हैं ये, और एक ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे इमेज ट्रांसफ़र करने के लिए केबल कर सकते हैं, और एक HDMI केबल आपको मिलेगा। फिर हम आते हैं, देखिए माइक, इसमें माइक का कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप माइक एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं इसमें। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे में आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी और मेमोरी कार्ड का ऑप्शन। चलिए हम अपने मोड्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले आते हैं, देखिए ये ऑटो मोड में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, जो भी कुछ करेगा कैमरा ऑटोमेटिक कर लेगा, उसको जो सीन सिलेक्ट करना है कैमरा ऑटोमेटिक कर लेगा। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको क्लिक करके भी दिखा रहे हैं कि देखिए ऑटो मोड में हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, कैमरा ही ऑटोमेटिक करना, जब कैमरा को रिक्वायरमेंट रहेगा फ्लैश का ऑटोमेटिक फ्लैश भी करेगा। फिर नीचे देख सकते हैं ये हाइब्रिड ऑटो, ये हाइब्रिड ऑटो का मतलब ये होता है फोटो, इस मोड में आप अगर फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा क्या करता है ऑटोमेटिक 4 सेकेंड के एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, ऑटोमेटिक 4 सेकेंड का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तो देखिए ये हम एग्जांपल के थ्रू भी हम आपको दिखा रहे हैं ये कैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए ये एक जैसे हम फोटो क्लिक किए, बस ये ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, तो कोई ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आप ये फ़ोटो कहाँ लिए हुए। तो हम उसके फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखिए ये पैनोरामा ये वाइड एंगल के लिए, ये वाइड एरिया पूरा कवर करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स मोड मतलब ये कंटिन्यू हाई स्पीड कंटिन्यू शॉट ले सकते हैं, मतलब कोई भी मूविंग सब्जेक्ट का फोटो ले सकते हैं। देखिए ये कार्ड थोड़ा कम MBPS का कार्ड है, इसलिए ये स्लो रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्ड करने में थोड़ा समय लगा है, बट ये अगर हाई MBPS कार्ड होता तो ये जल्द फटाफट हो जाता। देखिए हम आपको एक एक शॉट दिखाएंगे कि ये देखिए ये अब ओके हुआ। उसके बाद हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये ज़्यादा देर तक क्लिक किए हुए थे, तो नंबर ऑफ शॉट जितना देर तक रख सकते हैं 1 सेकेंड में 10 शॉट ले लेगा। फिर हम ये सीन्स मोड में आपको क्या करना है, आपको जस्ट आप सेट प्रेस कीजिए तो ये पूरा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, पोर्ट्रेट है, स्मूथ स्किन, फूड हैंडल, नाइट सीन, सेल्फ पोर्ट्रेट, ये सब ऑप्शन इसमें है आपके। फिर उसके बाद देखिए क्रिएटिव फिल्टर्स, तो ये क्रिएटिव कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए है, तो क्रिएटिव फिल्टर्स में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन, सॉफ्ट फोकस, फिश आई इफेक्ट, आर्ट बोल, वाटर पेंटिंग, टॉय कैमरा इफेक्ट, ग्रेनी इन ब्लैक एंड वाइट, तो ये सब ऑप्शन है इसमें। फिल्टर इफेक्ट को आप इफेक्ट कम बेसी भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर पूरा दिया हुआ है। फिर हम आते हैं मूवी, पूरा डेडिकेटेड बटन मूवी में, तो इसमें हम क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक शूटिंग मोड, एक मैनुअल मूवी मैनुअल एक्सपोजर। शूटिंग मोड नॉर्मल हो गया, मैनुअल मूवी मैनुअल एक्सपोजर, इसमें आप एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO तीनों ही ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा इजी ऑप्शन, देखिए उसमें अभी आपको कुछ ऑप्शन हम आपको जस्ट दिखा दे रहे हैं क्या क्या है। देखिए ये सब वीडियो स्नैपशॉट, ये सब ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। फिर हम आते हैं, अब देखिए ये सब ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखते रहिए, जैसे फिर हम थोड़ा ऊपर आएंगे, ऊपर ऑटो के ऊपर है एक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ऑटो बोल सकते हैं या प्रोग्राम मोड भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको कुछ करने, इसमें
अब देखिए ये फंक्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये फंक्शन आप सभी में चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, शटर मोड में, अपर्चर मोड में, मैनुअल में, सब में कर सकते हैं। देखिए एफ, इसमें भी देखिए नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन में नीचे देखते रहिएगा, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वन शॉट में भी, वन शॉट सर्वो, फिर आपका ड्राइव मोड में भी हाई, लो स्पीड, हाई स्पीड सब मिल जाएगा। मिटरिंग मोड में भी देखिए, फिर इमेज क्वालिटी में भी देखिए, और ये वीडियो में भी, वीडियो में आते हैं, देखिए वीडियो में भी देखिए क्या क्या फ्रेम साइज में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सब पूरा ऑप्शन आई एस ओ का है। तो ये आप ऑप्शन आप तीनों ही सेटिंग्स, तीनों ही मोड में कर सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, आई एस ओ में कर सकते हैं। ये आई एस ओ देखिए, आई एस ओ 100 to 3200 तक आई एस ओ आप कर सकते हैं। वाइट बैलेंस है, ये वाइट बैलेंस देखिए, ये वाइट बैलेंस आप चेंज कर सकते हैं। हम जस्ट एक एक करके एग्जांपल के सोर्स से आपको दिखा दे रहे हैं कि ये सब है ऑप्शन। आप कलर एम्बियंस यहाँ चेंज कर सकते हैं, ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर चेंज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, और बस आपको देखिए टीवी मोड में क्या है, इसमें आप शटर चेंज कर पाएंगे, अपर्चर ऑटोमेटिक कैमरा ले लेगा, बाकी फंक्शन आप सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आईएसओ भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपर्चर में आते हैं, अपर्चर में सिर्फ अपर्चर चेंज करेगा ऑटोमेटिक कैमरा, अपर्चर चेंज करेगा ऑटोमेटिक कैमरा क्या कर लेगा, शटर स्पीड ले लेगा, आईएसओ ऑटो कर सकते हैं या आप चेंज कर सकते हैं। फंक्शन बटन भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्या फंक्शन में रख सकते हैं, जैसे जो हम आपको दिखाए हैं फंक्शन। तो ये ऑप्शन है। फिर मैनुअल मोड में हम आएंगे, देखिए मैनुअल मोड में जैसे हम आते हैं, इसमें शटर स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, अपर्चर देखिए प्लस माइनस प्रेस करके आप डायलर बटन को प्रेस कीजिए, अपर्चर चेंज हो जाएगा। फिर आईएसओ है, आईएसओ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये मैनुअल मोड में पूरा ही कमांड आपके हाथ में रहेगा कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं। फिर देखिए C1 कस्टमाइज सेटिंग 1 है, C2 इसमें अपना आपका खुद का सेटिंग होगा, जैसे कोई एक जगह में जो सेटिंग्स है वही सेटिंग्स आप रख पाएंगे, मतलब वही सेटिंग। चलिए हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं, इसका जो जूम है, और ये हम अपना हैंडहेल्ड जूम करेंगे, हैंड से जूम करेंगे, कोई ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छा है, और देख सकते हैं। और इसमें हम हाई स्पीड कंटिन्यू शॉट का भी अप्लाई करेंगे, तो एक एवरी मूवमेंट का भी शॉट लेके हम आपको एक एक मूवमेंट का शॉट लेके हम दिखाएंगे। देखिए ये सब शॉट हम आपको लेकर दिखाए हैं, देखिए ईच एंड एवरी शॉट है, देखिए देखिए ये इसका जो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।